नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और रविवार का दिन है। नवमी तिथि आज शाम 5:50 तक रहेगी। आज दोपहर 12:12 तक वृद्ध योग रहेगा, उसके बाद ध्रुव योग लग जाएगा। इसके अलावा आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:54 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग सुबह 7:21 से शुरू हो चुका है और शाम 5:50 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 5 फरवरी की सुबह 6:42 से सुबह 7:54 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 8 फरवरी की सुबह 7:06 से दोपहर 11:17 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 12 फरवरी की सुबह 7:03 से सुबह 8:38 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 8 फरवरी की सुबह 7:26 से दोपहर 11:17 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 8 फरवरी की सुबह 7:56 से दोपहर 11:47 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 7 फरवरी की सुबह 7:30 से दोपहर 11:58 तक और एक बार फिर दोपहर 1:53 से रात 8:46 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 29 फरवरी की सुबह 6:47 से सुबह 7:31 तक और एक बार फिर सुबह 8:56 से सुबह 10:22 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 फरवरी की सुबह 8:46 से सुबह 10:02 तक और एक बार फिर सुबह 10:11 से दोपहर 1:42 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 12:49 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा शाम 4:39 से शाम 6:01 तक। मुंबई शाम 5:07 से शाम 6:32 तक। चंडीगढ़ शाम 4:38 से शाम 5:59 तक। लखनऊ
शाम 4:27 से शाम 5:49 तक, भोपाल शाम 4:44 से शाम 6:08 तक, कोलकाता शाम 4:01 से शाम 5:25 तक, अहमदाबाद शाम 5:04 से शाम 6:27 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज शाम 4:44 से शाम 6:10 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज जो शुभ दिशा है पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपका अधिकतर समय बच्चों के साथ बीतेगा। बच्चों के साथ मॉल में शॉपिंग करने भी जा सकते हैं। आज अचानक आपके करीबी रिश्तेदार घर पर आएंगे, जिसके कारण घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। बिजनेस के सिलसिले में दोस्तों से बातचीत हो सकती है, जिसका फायदा आपको भविष्य में मिलेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज किसी अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफर मिल सकता है। प्राइवेट ऑफिस में काम करने वालों का आज प्रमोशन होने का चांस बन रहा है। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, डिनर करने बाहर जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन खुशनुमा रहेगा। बाहर का मौसम आपकी सेहत के लिए ठीक होगा। दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। आज आपके बिजनेस में दोगुना वृद्धि होगी, जिससे आपको खुशी मिलेगी। आज आपके बच्चे आपको गौरवान्वित करेंगे, जिससे आपके पड़ोसियों के बीच आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक पक्ष पहले से अधिक मजबूत रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। लवमेट आज आपको सरप्राइज दे सकते हैं, इससे आपके रिश्तों के बीच मिठास बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। आज आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। दुकानदारों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। रोज की अपेक्षा ज्यादा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। संगीत में रुझान वालों को आज किसी फिल्म इंडस्ट्री से गाने का ऑफर मिल सकता है। आज आप जरूरतमंद लोगों की सहायता करेंगे, जिससे समाज में आपकी एक अलग ही छवि बनेगी। आज ऑफिस में बॉस आपके काम से खुश होकर आपको कोई उपहार देंगे। जूनियर्स आपसे काम सीखना चाहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। जीवन साथी को कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं, घुमाने का। आज आप जितना हो सके दूसरों की राय लेकर ही किसी काम की शुरुआत करें, सफलता मिलनी तय है। ऑफिस में आज आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपका एक गलत कदम आपको परेशानी में डाल सकता है। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज ऑफिस का कोई काम पूरा करने में बड़े भाई की सलाह कारगर साबित होगी। लवमेट आज एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे, इससे रिश्ते में मजबूती आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन फायदेमंद रहने वाला है। आज आपको कई बड़े फायदे होंगे। इस राशि के बिजनेसमैन के लिए आज का दिन शुभ है। गणेश जी की प्रतिमा को ऑफिस में रखने से किसी बड़ी डील का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही आप जो भी चाहते हैं वो काम भी पूरे हो जाएंगे। छात्रों को आज थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। पढ़ाई में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। अगर किसी इंटरव्यू में जाना चाह रहे हैं तो आप सटीक जवाब देने का प्रयोग करें, फालतू की जवाब देने से बचें। लवमेट्स के लिए आज का दिन प्यार भरा रहने वाला है। कार्यों में परिवार वालों का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे। आज आप कोई नया कार्य करने की सोचेंगे, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। अपनी ईमानदारी के कारण आपको जीवन साथी और परिवारजनों का स्नेह प्राप्त होगा। आज आप अपनों को खुश करने के लिए उन्हें कुछ उपहार दे सकते हैं। आज आप जो भी फैसला करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आज आप भावुक कम और व्यावहारिक ज़्यादा रहेंगे। परिवार के साथ किसी हिल स्टेशन पर जाने की प्लानिंग करेंगे। बच्चे इस ट्रिप को लेकर उत्साहित रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। आज आपको कई तरह की जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। अपनी व्यावहारिकता से आपको सफलता मिलने के योग है।
आज आपके मन में किसी तरह की उत्सुकता हो सकती है, आपका रवैया दूसरों के लिए उदारता भरा हो सकता है, बिजनेस और नौकरी के सोचे हुए कुछ काम पूरे होने से खुशी मिल सकती है, वाहन खरीदने का भी मूड बना सकते हैं, योग बने हुए हैं, पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी, परिवार की उन्नति से खुशी बढ़ेगी। छात्र आज किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने का मन बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा, आज आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। आज सरकारी ऑफिस में काम करने वालों का प्रमोशन हो सकता है। आज बिजनेस के सिलसिले में आपकी विदेश यात्रा हो सकती है। आज दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में जाएंगे जहां आपकी मुलाकात पुराने दोस्तों से होगी। रचनात्मक कार्यों में आपका मन लगेगा, घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन मन लगाकर पढ़ाई करने वाला है। गाय को हरी घास खिलाने से पढ़ाई के क्षेत्र में लाभ मिलने के योग है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों का मन आज आध्यात्म की तरफ रहेगा। आज आप घर पर कोई धार्मिक आयोजन करने का अनुष्ठान कराएंगे। महिलाएं आज मंदिर जाने की प्लानिंग बना सकती हैं। कई दिनों से रुके हुए कामों में सफलता मिलेगी। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। घर शाम को घर पर स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाएंगे। आज आपका व्यापार अच्छा चलेगा। पहले की गई मेहनत का फल मिलेगा। ऑफिस में आज आपको अच्छे कामों के लिए पदोन्नति भी मिलेगी। साथ ही आपकी सफलता दूसरों को प्रेरित करेगी। नया घर लेने के लिए आज आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज आप जिस काम को करें उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। आज आपसे कई लोग मदद भी ले सकते हैं। आज आप लोगों को जरूरत के अनुसार ही सलाह दीजिए। कई तरह की उलझनों और कामकाज में आप फंस सकते हैं। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी इंटरव्यू में जाना है तो आप जरूर जाइए। आपकी बौद्धिक क्षमता आज आपको सफलता जरूर दिलाएगी। आज आपका स्वास्थ्य पहले से अच्छा रहेगा। आज आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। सोशल मीडिया पर आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज के दिन आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज बिजनेस में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। आज वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। आज आपके जीवन साथी के ननिहाल से कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है। आज आपके रुके हुए काम पूरे होने के आसार नजर आ रहे हैं। आज आप सामने आई समस्याओं का हल आसानी से निकाल सकते हैं। आज आप अपने दोस्तों से मिलने उनके घर जा सकते हैं। आज आपको अपनी मेहनत के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है। आज आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। लवमेट से उपहार मिलेगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज के दिन आपकी किस्मत आपका साथ देगी। आज आपको कोर्ट कचहरी के मामलों से राहत मिलेगी। इस राशि के लोगों को आज संतान पक्ष से सफलता का समाचार मिलेगा। आज आपके विरोधी आपके कामों में अड़चन डाल सकते हैं, इसलिए आज आपको सावधान रहने की जरूरत है। इस राशि के इंजीनियर्स की आर्थिक स्थिति आज पहले से अच्छी रहेगी। आज आप किसी नए व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। आज ऑफिस के कार्यों में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। ड्राई फ्रूट्स का कारोबार कर रहे लोगों को आज अच्छा मुनाफा होने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज हनुमान जी को प्रणाम करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज चीटियों के बिल के पास त्रिचौली रखें। गेहूं का आटा, चावल का आटा और पिसी हुई चीनी, त्रिचौली, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप अपने जीवन साथी के साथ घूमने और खरीदारी करने में समय बिताएंगे। मूलांक 2, आज आप घर की साज सज्जा में पैसा खर्च करेंगे और कहीं निवेश के बारे में भी सोच सकते हैं। मूलांक 3, आप पहले से चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे और आज आपकी रुचि अध्यात्म के प्रति बनी रहेगी। मूलांक 4, आपको नई रिसर्च के साथ साथ किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए ऑफर मिल सकता है।
मूलांक 5, आज आप किसी भी तरह की ओवरथिंकिंग से बचें, इसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। मूलांक 6, आप कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों के साथ अधिक पर्सनल न रहें, अपनी सीक्रेट किसी और को न बताएं। मूलांक 7, आज आप नौकरी के साथ साथ कुछ फ्रीलांस का नया काम भी शुरू करने की सोच सकते हैं। मूलांक 8, आज लवमेट कहीं घूमने जा सकते हैं, इससे पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। मूलांक 9, आज आप अपने जीवन साथी के साथ घर के कार्यों को पूरा करने में लगे रहेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे कि घने पेड़ों को किस दिशा में लगाना चाहिए। पेड़ पौधे मनुष्य के सच्चे दोस्त होते हैं और इनका आसपास होना बहुत शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र में पेड़ों की दिशा के बारे में विस्तार से बताया गया है और इसके अनुसार ऊंचे और घने पेड़ों को दक्षिण या पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए और इन्हें घर की दीवार से थोड़ा दूर लगाना चाहिए, जिससे उन्हें पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिल सके। पहले से उपस्थित पेड़ों को कभी नहीं काटना चाहिए, बल्कि उनकी देखरेख करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई अनपेक्षित पेड़ है तो आप काट सकते हैं। आप जो प्रोसीजर है उसको कानूनी प्रोसीजर फॉलो करके काटिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा कि घने पेड़ों को किस दिशा में लगाना चाहिए। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज माघ मास कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि और रविवार का दिन है। 9वीं तिथि आज शाम 5:50 तक रहेगी। आज दोपहर 12:12 तक वृद्ध योग रहेगा, उसके बाद ध्रुव योग लग जाएगा। वृद्ध योग में किए गए कार्यों में कोई रुकावट नहीं आती है, अपितु कार्यों में वृद्धि होती है। वहीं अगर ध्रुव योग की बात करें तो किसी भी स्थिर कार्य जैसे किसी भवन या इमारत आदि का निर्माण करने से ध्रुव योग में सफलता मिलती है। लेकिन कोई भी अस्थिर कार्य जैसे कोई गाड़ी अथवा वाहन लेना इस योग में सही नहीं है। इसके अलावा आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:54 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की गिनती में से अनुराधा 17वां नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि कर्म फल देने वाले हैं। शनिदेव सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, उनकी दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता। शनिदेव अच्छे के साथ जितने अच्छे हैं, बुरे के साथ उतने ही बुरे भी हैं। शनिदेव किसी से खुश होते हैं तो उसके ऊपर अपनी सारी कृपा बरसाते हैं और अगर कोई गलत काम करता है तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। इसके अलावा अनुराधा नक्षत्र का संबंध मौलसी के पेड़ से बताया गया है। मौलसी के पेड़, उसकी लकड़ी से बनी माला और अनुराधा नक्षत्र व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करने वाले हैं। ये उन्मुक्त जीवन की प्रेरणा देते हैं और बंधनों से मुक्ति में सहायक होते हैं। ये बंधन चाहे जैसे हो, किसी भी प्रकार के बंधन हो, सर्व बंधनान प्रमुच्यते अनुराधा, सभी बंधनों से जो मुक्ति दिला दे वही अनुराधा है। और इस नक्षत्र की वनस्पति मौलसी में भी ऐसी ही प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। मौलसी के अरोमा बहुत ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करने में सहायक है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को अनुराधा नक्षत्र के दौरान मौलसी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही मौलसी के पेड़, उसकी लकड़ियों, फल या पत्तियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही उन्हें किसी उपयोग में लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। तो ये थी वृद्धि योग, ध्रुव योग और अनुराधा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं आज अनुराधा नक्षत्र और रविवार के दिन किए जाने वाले उपायों की, जिन्हें करके आप अपने जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे। अगर आप अपनी तरक्की को चार चांद लगाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको किसी मंदिर के प्रांगण में या किसी बाग बगीचे में कोई भी फूल वाला पौधा लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कारणवश आज के दिन पौधा न लगा पाएं तो आज के दिन पौधा लगाने का संकल्प जरूर लें और 2-4 दिन में जब भी आपको समय मिले तब लगाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी तरक्की को चार चांद लगेंगे। अगर आपके परिवार में हमेशा अनबन होती रहती है या वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या बनी रहती है तो अनुराधा नक्षत्र में एक खाली बोतल लीजिए और उस बोतल में थोड़ा सा सरसों का तेल, 8 साबुत उड़द के दाने और एक लोहे की कील डालकर ढक्कन से बंद कर दें। अब उस बोतल को अपने ऊपर से 7 बार उतार कर जमीन में दबा दें।
आज के दिन ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में खुशियों की बहार आने लगेगी और वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां दूर होने लगेंगी। अगर आपके घर में धन का अभाव रहता है या आपके पास धन अधिक समय तक नहीं टिकता तो अनुराधा नक्षत्र में अपने हाथ की लंबाई के बराबर एक काला धागा और एक छोटा सा कोयला लें। अब काले धागे से उस कोयले को बांधकर एक कपड़े में लपेटकर अपने धन वाले स्थान पर रख दें या अनुराधा नक्षत्र के दौरान पूरे दिन अपनी जेब में उस कोयले को रखें। जेब में रखने से पहले कोयले को किसी कपड़े में लपेटना न भूलें। आज के दिन ऐसा करने से आपके पास धन का कभी अभाव नहीं होगा। अगर आपके निवास स्थान पर या आपके बिजनेस पर किसी की बुरी नज़र लग गई और आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो अनुराधा नक्षत्र में पूरे दिन काले चने को पानी में भिगो दीजिए। अब उस भिगोए हुए काले चने के साथ थोड़ी सी साबुत काली उड़द, काली हल्दी और थोड़ी सी सरसों ले लें और एक काले कपड़े में उन्हें एक साथ बांध लें। अब उस पोटली को किसी नदी या तालाब में बहा दें। अगर उस पानी में मछलियां हों तो और भी अच्छा है। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर और बिजनेस की खुशियों को किसी की नजर नहीं लगेगी। अगर आप अपने जीवन में हर प्रकार से आजादी पाना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको मौलसी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, साथ ही उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कहीं आसपास मौलसी का पेड़ न मिले तो उसकी फोटो इंटरनेट से डाउनलोड करके उसके दर्शन कर लें, चाहे तो उस फोटो का प्रिंट निकलवा कर अपने घर में भी लगा लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन में हर प्रकार की आज़ादी मिलेगी। अगर कुछ दिनों से पिता के साथ आपके रिश्ते में कड़वाहट बनी हुई है तो आज के दिन आपको सूर्यदेव के इस मंत्र का 51 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके संबंधों में कड़वाहट दूर होगी और धीरे धीरे करके आप दोनों के बीच प्यार का रिश्ता बनने लगेगा। अगर आप अपने बेहतर स्वास्थ्य के साथ ही लंबी आयु भी पाना चाहते हैं तो आज आपको सूर्यदेव के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। और सूर्यदेव का मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। देखो यहाँ रा शब्द जो है, जैसे अभी हमने कहा ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं, इसमें हा के नीचे जो रा लगा था वो खड़ा ऐसे नीचे हा लिखा है और नीचे रा लगा है रा, लेकिन यहाँ घृणी में घा और घा में नीचे ये गोल वाला रा लगा हुआ है। ओम घ्री उसको छोटी ई की घ्री, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। आज इस मंत्र का जप करने से आपको बेहतर स्वास्थ्य के साथ साथ लंबी आयु की प्राप्ति भी होगी। अगर आप अपने आसपास पॉजिटिव ऊर्जा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं जहां आप रहते हैं वहां खूब पॉजिटिविटी रहे, सबको पॉजिटिव विचार आए, सब लोग पॉजिटिव काम करें, वहां पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाए, धन बढ़ता चला जाए, समृद्धि बढ़ती चली जाए, यश बढ़ता चला जाए, तो अगर आप अपने आसपास पॉजिटिव ऊर्जा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और जल अर्पित करते समय सूर्यदेव के इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए। ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्याय श्री। अब देखो यहाँ हा में रा खड़ा लगा हुआ और घृणी में घा जो है उसमें रा ये वाला लगा है। ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्याय श्री। ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्याय श्रीं। और अगर आपके दाम्पत्य जीवन से खुशियां कहीं गुम हो गई हैं तो उन खुशियों को जीवन में फिर से वापस लाने के लिए आज के दिन रात को सोते समय 2 कपूर की टिकिया और थोड़ी सी रोली लेकर अपने सिरहाने के पास रख लें। अगले दिन सुबह उठकर कपूर की टिकिया को घर के बाहर जला दें और रोली को एक पानी भरे गिलास या लोटे में डालकर सूर्य भगवान को अर्पित करते हैं। अब देखिए बात करेंगे सूर्य के मित्र बुध की। अब कौन है जीवन में बुध क्या है? सूर्य अगर पिता है तो माता चंद्रमा है, भाई मंगल है, बुध बहन है या बुआ है। तो अगर बहन या बुआ के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं तो आज के दिन आपको अपने भोजन में से
एक रोटी निकालकर अलग रखनी चाहिए और उसके तीन हिस्से करने चाहिए। अब उन तीन हिस्सों में से एक हिस्सा गाय को खिला दें, एक हिस्सा कौए के लिए रख दें और एक हिस्सा कुत्ते को खाने के लिए दे दें। आज के दिन ऐसा करने से बहन या बुआ के साथ आपके रिश्तों में आई समस्या दूर होगी और आपके रिश्ते पहले से भी अधिक मजबूत होंगे। अब ऐसा क्यों? दिन तो रविवार का है, नक्षत्र शनि का है, तो सूर्य और शनि से मिलकर क्या? अनुराधा नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र सूर्य शनि मिलकर के बुध के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ये दिन और ये नक्षत्र मिलकर बुध के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। बुध क्या है? बहन या बुआ है। तो अगर आपको लगता है कि आपके करीबी बिजनेस में, अब देखो व्यवसाय भी बुध है, अगर आपको लगता है कि आपके करीबी बिजनेस में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक कटोरी हरे मोटे मूंग को लेकर, अब देखो हरा मूंग क्या है? बुध है। आज पूरा दिन नमक वाले पानी में भिगोएं और अगले दिन भिगोए हुए मूंग को नमक वाले पानी में से निकालकर साफ पानी से धोकर किसी जानवर को खिला दें, यानी दान करना है और चौपाए को दान करना है। तो आज के दिन ऐसा करने से आप बिजनेस में किसी भी तरह के नुकसान से बचे रहेंगे और आपको बिजनेस में वृद्धि भी जरूर मिलेगी। और अगर आप अपने व्यापार में और तेजी से बढ़ोतरी करना चाहते हैं या अपने पारिवारिक आय में वृद्धि करना चाहते हैं, तो आज सूर्य यंत्र की स्थापना कर घर में, घर या ऑफिस में रखना चाहिए। यंत्र की स्थापना करने के लिए आप चाहें तो धातु आदि पर बना सूर्य यंत्र ले सकते हैं या फिर स्वयं भोजपत्र पर सूर्य यंत्र बनाकर स्थापित कर सकते हैं। आज भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार की कलम के द्वारा सबसे पहले एक वर्ग की आकृति बनाइए और उस वर्ग में नौ खाने बनाइए, यानी तीन कॉलम बनाने हैं और एक कॉलम में तीन खाने बनाने हैं। पहले कॉलम में बाएँ से दाईं तरफ क्रमशः 6, 1 और 8 लिखना है, 6, 1, 8। फिर दूसरे कॉलम में बाएं से दाईं तरफ 7, 5 और 3 लिखना है। इसी तरह आखिरी कॉलम में 2, 9 और 4 लिखना है। इस प्रकार आपका यंत्र बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास भोजपत्र आदि न हो तो आप सफ़ेद कोरे कागज पर लाल स्याही से या लाल पेन से भी इस यंत्र को बना सकते हैं। इस प्रकार यंत्र तैयार होने के बाद उसे उचित स्थान पर स्थापित करके उसकी धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करके उसे सिद्ध करें और अपने घर के मंदिर में या ऑफिस में किसी सुरक्षित स्थान पर स्थापित कर दें। आज सूर्य यंत्र की स्थापना करने से आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी तथा आपके पारिवारिक इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज वृद्धि योग, ध्रुव योग और अनुराधा नक्षत्र की। साथ ही आज के दिन कौन से विशेष उपाय करके आप अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं, इसकी भी हमने चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, आज आपको मौसम को देखते हुए अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। बी, आज आपको कुछ नया करने का अवसर मिलेगा, इसलिए आज किसी काम को लेकर कोई भी निर्णय धैर्य से लें। सी, अपनी सोच व मेहनत के बल पर आज आप कार्यस्थल पर सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। डी, आपको किसी बड़े ग्रुप से पार्टनरशिप करने का मौका मिलेगा, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। ई, आज सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपकी सराहना होगी, इससे आपका उत्साह बढ़ेगा। एफ, आज व्यापार के सिलसिले में आपकी मनचाही डील फाइनल होने से आप प्रसन्न रहेंगे। जी, अगर आपको पहले से किसी प्रकार की स्किन संबंधी परेशानी है तो आज आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। एच, अपने भाई बहनों के साथ आज आप बढ़िया समय बिताएंगे और कहीं बाहर खाने पीने भी जा सकते हैं। आई, लवमेट को आज परिवार वालों की तरफ से सहमति मिल सकती है। जे, ऑनलाइन व्यापार कर रहे लोगों को आज बड़ा ऑर्डर मिलेगा, इससे आपको अच्छा धन लाभ होगा। के, आपके लेखन कार्य को आज वाहवाही मिलेगी, लोग आपके काम में रुचि लेंगे। एल,
अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो आज वापस आने की संभावना बन रही है। एम, अगर आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं तो आज आपको कोई शुभ सूचना मिल सकती है। एन, आप विद्यार्थी हैं तो आज आपका दिन खेलकूद और मनोरंजन में बीतेगा। ओ, कार्यस्थल पर आज किसी सहकर्मी से दोस्ती होगी, ये दोस्ती काफी समय तक चलेगी। पी, आज आपके सभी विरोधी परास्त होंगे, शत्रु भी आपके मित्र बन जाएंगे। क्यू, आपका संवेदनशील स्वभाव कार्य क्षेत्र में आज सहकर्मियों के आकर्षण का केंद्र बन सकता है। आर, आज आप कार्य क्षेत्र में अपने अति आत्मविश्वास के कारण थोड़ा उलझ सकते हैं, संभल कर चलिए। एस, आपको आज वाहन चलाते समय सतर्कता बरतनी चाहिए, ग्रीन सिग्नल होने पर ही आगे बढ़ें। टी, आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताते हुए कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। यू, आज लोगों के प्रति अपनी मीठी वाणी का प्रयोग करें जिससे लोग आपके काम में मदद करेंगे। वी, आपको आज अचानक धन लाभ हो सकता है, आप घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। डब्ल्यू, आपको आज किसी संगीत सभा में आमंत्रित किया जा सकता है। एक्स, यदि आप फिल्म लाइन में हैं तो कोई अच्छा अवसर आज हाथ आ सकता है। वाई, आज आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की तैयारी कर सकते हैं। जेड, किसी सामाजिक गतिविधि में भाग लेने का अवसर मिलेगा, आप वहां सक्रिय भूमिका निभाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मथुरा के बरसाना गांव में। राधा जी की नगरी बरसाना में स्थापित है प्राचीन अष्ट सखी मंदिर। इस मंदिर में राधा जी और उनकी सात सखियों के साथ भगवान कृष्ण के सुंदर विग्रह विराजमान है। मंदिर की बनावट ही इस प्रकार की है कि यहाँ जाकर गोपियों के भक्ति रस की अनुभूति सी होती है। ये मंदिर राधा रानी की ऊंची अटारी पर बने महल के मार्ग में ही आता है, तो आप भी घर बैठे कीजिए इस दिव्य स्थान के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे कनिष्ठिका उंगली के नाखून पर अर्धचंद्र के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन व्यक्तियों के कनिष्ठिका उंगली के नाखून के मूल में अर्धचंद्र जैसा सफेद निशान दिखाई देता है, वे लोग बहुत मेहनत करते हैं जिससे उन्हें यश की प्राप्ति होती है। कनिष्ठिका उंगली का संबंध बुध ग्रह से होता है और बुध का सीधा प्रभाव व्यापार, संगीत, एंकरिंग आदि क्षेत्रों में होता है, इसलिए ऐसे लोगों को व्यापार के क्षेत्र में बहुत अधिक धन लाभ होता है और नृत्य संगीत के क्षेत्र में खूब नाम कमाते हैं। ये लोग अपना काम पूरा मन लगा के करते हैं जिससे इन्हें लाइफ में सफलता प्राप्त होती है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा कनिष्ठिका उंगली के नाखून पर अर्धचंद्र के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 4 फरवरी को माघ कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि है। नौमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। नौमी तिथि आज शाम 5:50 तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 5:25 तक रहेगी। दशमी तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज झूठ न बोलिए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी, यानी सत्य का अवलंबन करें। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।